हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द एग्जाम पॉइंट रिगार्डिंग विलियम शेक्सपियर द मोस्ट कोटेड ऑथर इन अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी एंड विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट यू मे गेट ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैनल बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टेट टीजीटी एग्जाम्स। एंड नाउ डिस्कस प्रैक्टिस पेपर। सो यहाँ पर पहला पॉइंट है, विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? सो ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड ऑन। विलियम शेक्सपियर बैप्टाइज्ड कब हुए थे? सो ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। डेथ कब हुई थी उनकी? सो ही वॉज डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। नेक्स्ट पॉइंट है, शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी स्टेट फोर्ड अपॉन एवॉन ऑल दो हिज मॉन्यूमेंट वॉज इरेक्टेड इन। यानी उनको बरीड किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में स्टेट फोर्ड अपॉन एवॉन, बट उनका मॉन्यूमेंट बनाया गया है। सो उनका मॉन्यूमेंट वेस्ट मिनिस्टर एबी में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस इज। सो एवरीबडी नोज हिज बर्थ प्लेस इज स्टेट फोर्ड अपॉन एवॉन। नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्टेट फोर्ड ऑन एवॉन, बट वॉट कंट्री इज द टाउन इन। ठीक है, कंट्री टाउन इन वॉरविक शायर, उनके कंट्री का नाम था वॉरविक शायर। नेक्स्ट है, हु इज़ वर्ल्डली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। सो डन एंड द नेक्स्ट पॉइंट है, हु इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। सो नन अनदर, ओनली विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ग्रेटेस्ट राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शेक्सपियर्स पेरेंट वर। शेक्सपियर के पेरेंट्स कौन थे, मतलब उनका नाम क्या था? तो उनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर एंड मदर का नाम था मैरी आर्डन। नेक्स्ट पॉइंट, वॉट वॉज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर। उनके फादर का बिजनेस क्या था? अ ग्लोबर एंड विट एवर लेदर वर्कर बाई ट्रेड। ठीक है, लेदर वर्कर थे वो बाई प्रोफेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट। प्रोबेबली एजुकेटेड कहाँ हुए थे ये? सो किंग्स न्यू स्कूल इन स्टेट फोर्ड ग्रामर स्कूल। ये लोकल स्कूल था वहीं उनके स्टेट फोर्ड, उनके वहीं गाँव में, वहीं पर इन्होंने एजुकेशन ली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शेक्सपियर्स वाइफ एनी हैथवे वॉज 8 ईयर ओल्डर टू हिम एंड सी बिलोंग टू। ठीक है, उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था एनी हैथवे, जो कि उनसे 8 साल बड़ी थी एज में। वो कहाँ से बिलोंग करती थी? सो वो सॉटरी से बिलोंग करती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एनी हैथवे द कंसिस्ट्री कोर्ट ऑफ द डायोसिस ऑफ वॉरसेस्टर इश्यूड अ मैरिज लाइसेंस ऑन। ठीक है, इनका जो मैरिज लाइसेंस है वो कब, मतलब मैरिज इनकी कब हुई थी? ठीक है, तो 27 नवंबर 1582, ये डेट है इनकी शादी की, 27 नवंबर 1582। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी ईयर्स सीनियर वॉज एनी हैथवे टू शेक्सपियर। शेक्सपियर से एनी हैथवे कितनी ईयर, मतलब बड़ी थी वो? सो गाइज, 8 ईयर्स वो उनसे बड़ी थी उम्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 मंथ आफ्टर द मैरिज एनी हैथवे गेव बर्थ टू ए डॉटर नेम्ड। यानी कि शादी के 6 महीने बाद एनी हैथवे ने एक डॉटर को जन्म दिया जिसका नाम था सुसेना। सुसेना उसका नाम था और उसका बैप्टाइजेशन हुआ था 26 मई 1583 को, ठीक है। यानी एनी हैथवे अपनी शादी से पहले से ही क्या थी, प्रेग्नेंट थी वो, इसीलिए 6 महीने बाद ही। नेक्स्ट है यहाँ पर, हु इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोइट एंड द बार्ड ऑफ एवॉन और सिंपली द बार्ड। यानी इंग्लिश, मतलब इंग्लैंड का नेशनल पोइट किसे कहा जाता है, और बार्ड ऑफ एवॉन समटाइम, और समटाइम मतलब सिंपली तौर पर उन्हें द बार्ड कह दिया जाता है। तो ये विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम शेक्सपियर इज़ कॉल्ड नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड एंड बार्ड ऑफ एवॉन। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 16, शेक्सपियर्स ट्विन्स सन डैश
एंड डॉटर वर बैप्टाइज्ड ऑन 2 February 1585। ठीक है, शेक्सपियर के फिर पहले फर्स्ट उनका जो चाइल्ड था वो सुसेना थी, उसके बाद उनके ट्विंस हुए जिसमें कि एक बेटा था और एक बेटी थी। उनका नाम क्या, उनका बैप्टाइजेशन हुआ था 1582 85 2 February। तो उन ट्विंस का बच्चों का नाम था हेमनेट एंड जूडिथ। बेटे का नाम था हेमनेट एंड बेटी का नाम था जूडिथ। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ 17। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ, ये माना जाता है कि शेक्सपियर को डियर पोचिंग का गिल्टी माना गया था किसके गार्डन में। सो ये गार्डन था सर टॉमस लूसी का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ नैरेटेड डियर पोचिंग टेल अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क, अपने वर्क में किसने ये जो टेल है डियर पोचिंग वाली उसको नैरेट किया है। सो ये निकोलस राव हैं जो कि विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर माने जाते हैं। उन्होंने अपना वर्क लिखा सम अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, इसमें उन्होंने इस डियर पोचिंग ट्रायल को नरेट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर, एक ऑथर ने ये कहा कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो कंट्री स्कूल मास्टर रहे थे। सो ये ऐसा कहने वाले ऑथर कौन है, जॉन ऑब्रे 1626। ठीक है, इन्होंने कहा था, जॉन ऑब्रे ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम प्लेस फॉर लंदन इन, जो शेक्सपियर हैं इन्होंने अपना होम टाउन मतलब छोड़ दिया था, लंदन चले गए थे, वो कौन सी ईयर में, सो 1587। नेक्स्ट है रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइन, ठीक है, लंदन पहुंचने के बाद इन मतलब 1587 में लंदन पहुंचने के बाद शेक्सपियर ने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, जिसे कहते हैं बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, इसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 22। ऑन August 11, 1596 वन ऑफ शेक्सपियर चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11, यानी 11 अगस्त 1596 में शेक्सपियर के एक बच्चे की डेथ हो जाती है जिसका नाम था हेमनेट, यानी ट्विंस थे हुए थे जो उनके उनमें ये बड़ा उनका बड़ा मतलब बेटा था उसकी डेथ हुई थी 11 ईयर में। नेक्स्ट है 23। बिटवीन वॉट टाइम पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर बिगेन अ सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर, विलियम शेक्सपियर ने एक सक्सेसफुल कैरियर अपना लंदन में कब स्टार्ट किया, बिटवीन 1585 एंड 1592। नेक्स्ट पॉइंट है 24। विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर कैरियर लाइफ इज रेफर्ड एट लॉस्ट ईयर बाय स्कॉलर, सो बिटवीन 1585 एंड 1592। नेक्स्ट पॉइंट 25। विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम, सो लव लेवर लॉस्ट बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है 26। व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज, ठीक है, ये अपने प्ले जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने अपने प्ले कब लिखे हैं, सो 16th and 17th century के दौरान इन्होंने अपने प्ले लिखे। नेक्स्ट है 27। व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद, वो कौन सा थिएटर था जिससे विलियम शेक्सपियर एसोसिएटेड थे, सो द ग्लोब। नेक्स्ट है 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनी वॉज ओन बाई शेक्सपियर वेयर हैज़ मास्टर पीसेज वर फर्स्ट परफॉर्म, ठीक है, इनमें से कौन सा थिएटर विलियम शेक्सपियर का था जिसमें उनके मास्टर पीसेज परफॉर्म किए गए, सो द ग्लोब। नेक्स्ट है 29। शेक्सपियर परचेज शेयर इन द ग्लोब थिएटर इन, ठीक है, इन्होंने ग्लोब थिएटर में अपनी शेयर कब खरीदे, 1599। नेक्स्ट पॉइंट 30। वॉट वॉज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्स मैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन्ड, जो फर्स्ट कंपनी थी जिसमें विलियम शेक्सपियर जिसमें आधे मालिक थे उसके, उसका पहला नाम क्या था, पुराना नाम जिसे बाद में किंग्समैन कर दिया गया था, लेकिन पहला जो उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन मैन था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 31। व्हाट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन 1613, इन 1613 में ग्लोब थिएटर के साथ क्या हुआ था, सो इट बर्न डाउन व्हेन इट थिएट्रिकल कैनन मिस फायर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ शेक्सपियर शेक्सपियरियन प्ले हेनरी एट। ठीक है, तो इसमें आग लग गई थी एक कैनन शॉट के द्वारा जब हेनरी एट का प्रीमियर चल रहा था, ठीक है, स्टेज पर, उस समय कैनन शॉट के द्वारा इसमें आग लग गई थी 1613 में ग्लोब थिएटर में, फिर बाद में इसको रिबिल्ट कराया गया था। नेक्स्ट है 32। हाउ इज़ द सैम वॉनामेकर 1993 कनेक्टेड विद शेक्सपियर,
वॉन मेकर का क्या कनेक्शन है विलियम शेक्सपियर के साथ? सो हिज विजन लेड टू रिस्टोरेशन ऑफ शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर. उनका विजन था कि वो इसको रिस्टोरेशन इसका कराएंगे ग्लोब थिएटर का. नेक्स्ट है 33, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू? ये जो शेक्सपियर है कहाँ हुए थे रिटायर होके, मतलब कहाँ आ गए? स्टेट फोर्ड ऑन अवॉन. नेक्स्ट है 34, विच ऑफ दीज फ्रेजेज अपियर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन? ठीक है, जो शेक्सपियर हैं उनके ग्रेव स्टोन पर कौन से फ्रेजेज अपियर होते हैं? सो क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बॉन्स. नेक्स्ट पॉइंट है 35, वीनस एंड एडोनिस इज ए पोएम बाय? वीनस और एडोनिस किसकी पोएम है? सो ये विलियम शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम है जो कि उन्होंने अपने स्टार्टिंग, जो उनका कैरियर है स्टार्टिंग वाला, उस समय ये लिखी थी. ठीक है, वीनस एंड एडोनिस. नेक्स्ट है 36, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन? ये लाइन कहाँ से ली है? गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वेयर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हेयर ब्लेस बी द मैन दैट स्पेयर दीज स्टोन एंड कर्स बी ही दैट मूव्स माई बॉन्स. ये एपिटेफ, मतलब इनके जो ग्रेव स्टोन है उस पर ही लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर के, शेक्सपियर स्टोन. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 37, वेयर फ्रॉम द लाइन्स फियर नो मोर द हीट द सन Nor the furious winter rages, thou the worldly task hast done, home art gone and tend thy pages. So ये जो line है ये कहाँ से ली गई है? एक play है William Shakespeare का सिबिलिन से ये lines ली गई हैं. ठीक है, point है 38, Venus and Adonis by Shakespeare was written in stanza of. ये जो Venus and Adonis है William Shakespeare की poem कितनी stanza में लिखी गई है? So 6-line stanza में ये लिखी गई है. Next है 38, Venus and Adonis by William Shakespeare was written in stanza of. William Shakespeare के द्वारा Venus and Adonis कितनी stanza की लाइन में ये लिखी गई है? छः. क्वेश्चन नंबर 39, टू विच कैटेगरी दैट टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर Venus and Adonis एंड द रेप ऑफ लुक्रिस बिलोंग टू? ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं ये दोनों वर्क इनके? सो गाइज, ये उनकी नैरेटिव पोइम्स हैं. ठीक है, नैरेटिव पोइम्स. सो ये उनकी नैरेटिव पोइम्स हैं. नेक्स्ट है 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोइट विलियम शेक्सपियर? है ना, विलियम शेक्सपियर के लिए एक टर्म है जो मतलब जनरली लिया जाता है, वो है वार्ड ऑफ एवॉन. नेक्स्ट पॉइंट है 41, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? सो एसी ब्रेडली रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन 1904. नेक्स्ट पॉइंट है 42, होम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पी ऑन लर्टीज? ठीक है, पोलोनियस लर्टीज की जासूसी करने के लिए फ्रांस किसको भेजता है? ठीक है, सो रेनाल्डो को भेजता है वो. नेक्स्ट है 43, Which of the following actors played the title role in the first performances of many of Shakespeare's plays including Hamlet, Othello, Richard III and King Lear? ठीक है, शेक्सपियर के जो बहुत मतलब मोस्ट पॉपुलर प्ले हैं उनके अंदर किस एक्टर ने मेन रोल प्ले किया था, मतलब मेन हीरो का रोल किरदार किसने प्ले किया था? सो रिचर्ड बर्बेज इज द एक्टर. नेक्स्ट है 44, With this key sonnet, Shakespeare unlocked his heart. The words are from. ठीक है, ये जो words हैं ये Wordsworth के work से लिए गए हैं. ठीक है, next point है 45, In Shakespeare's tragedy, character is not a destiny, but there is character and destiny is a remark by. So ये remark किया गया है निकोल के द्वारा. ठीक है, निकोल सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, The Lontic, The Lover and The Poet are of imagination all compact. These words of Shakespeare are taken from. ये शेक्सपियर के किस प्ले से लिए गए हैं, ये लाइन्स किस प्ले से हैं? सो ये शेक्सपियर का प्ले है मिडसमर नाइट ड्रीम, ये उनकी कॉमेडी है. ठीक है, नेक्स्ट है 47, अबाउट टोटल्स मिसलैनी अ करेक्टर इन शेक्सपियर प्ले सेज आई हैड रादर देन 40 सिलिंग्स आई हैड माई बुक्स ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट हेयर. हु इज़ द स्पीकर एंड इन विच प्ले? ये इन लाइन्स का स्पीकर कौन है और कौन से प्ले में है? सो स्लैंडर इज़ द स्पीकर एंड प्ले इज़ द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. नेक्स्ट पॉइंट है 48, वीनस एंड एडोनिस वाई शेक्सपियर इज रिटन इन 6-line स्टेंजा बट रेप ऑफ लुक्रिस इज कम्पोज इन. ठीक है, 6-line स्टेंजा में लिखी गई है वीनस एंड एडोनिस, बट रेप ऑफ लुक्रिस कितनी लाइन्स में है? सो ये 7-line स्टेंजा में लिखी गई है रेप ऑफ लुक्रिस.
नेक्स्ट पॉइंट है 49, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोइम वीनस एंड एरोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रिस अलोंग विद हिज 126 सोनेट टू. ठीक है, शेक्सपियर ने अपनी जो पोइम्स हैं वीनस एंड एरोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रिस साथ ही उसके 126 अपनी सोनेट किसको डेडिकेट किए हैं. सो उन्होंने डेडिकेट किया है इसे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 50, हेनरी रियोदसली थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वॉज शेक्सपियर्स. ठीक है, हेनरी रियोदसली इनको ही डेडिकेट किए हैं जिन्होंने अपनी पोइम्स विलियम शेक्सपियर ने. ये कौन थे शेक्सपियर के? ठीक है, तो ये इनके पैट्रॉन थे एंड फ्रेंड थे. नेक्स्ट पॉइंट है 51, हु कोलाबोरेटेड शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ हेनरी एट. हेनरी एट लिखने में शेक्सपियर के साथ किसने कोलाबोरेट किया? सो जॉन फ्लेचर थे ये. नेक्स्ट पॉइंट है 52, व्हाट वाज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले हेनरी एट बिफोर इट पब्लिकेशन इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623. ठीक है, इसका सब टाइटल क्या है हेनरी एट का? इसका एक और नाम है दूसरा ऑलिस टू. नेक्स्ट पॉइंट है 53, ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ डैश एट द ग्लोब थिएटर इन 1613 अ कैनन शॉट एम्प्लॉयड फॉर स्पेशल इफेक्ट इग्नाइटेड द थिएटर थैस्ड रूफ एंड द बीम्स बर्निंग द ओरिजिनल ग्लोब बिल्डिंग टू द ग्राउंड. ठीक है, तो ये कौन सा परफॉर्मेंस था उस दौरान ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी? तो मैंने अभी बताया था, ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि कैनन शॉट के द्वारा आग लग गई थी जब हेनरी एट का प्रीमियर चल रहा था. सो आंसर इज हेनरी एट. नेक्स्ट है 54, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल. कौन से प्ले में शेक्सपियर के द्वारा रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया गया है? सो रिचर्ड थर्ड को एज ए रॉयल क्रिमिनल प्रेजेंट किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट है 55, द कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन. ठीक है, कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर की सबसे छोटी स्टोरी मानी जाती है, कॉमेडी मानी जाती है, जो किस पर बेस्ड है? सो मिनेकमी बाई प्लेटस, इस पर यह बेस्ड है. नेक्स्ट पॉइंट है 56, विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी. शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजेडी है, मेजर ट्रेजेडी मानी जाती है, उनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? सो HOKM से वो जानी जाती हैं, जिसमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, जो जिसमें कि हैमलेट आया था 1601 में, ओथेलो आया 1604 में, किंग लियर 1605 में, मैकबेथ आया उनका 1606 में. ठीक है, ये इनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, विच वर्स इज मोस्टली यूज बाई शेक्सपियर इन हिज प्लेज. जो शेक्सपियर हैं उन्होंने मोस्टली किस वर्स का यूज़ किया है अपने प्लेज में? सो दिस इज ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स को उन्होंने मोस्टली अपने प्लेज के अंदर यूज़ किया है. नेक्स्ट है 57, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉर्म. शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं उनकी फॉर्म क्या है? थ्री क्वार्टर एंड राइमिंग कपलेट, यानी थ्री क्वार्टर है उनकी सोनेट्स में एंड लास्ट में मतलब कंक्लूडिंग एक कपलेट है. नेक्स्ट पॉइंट है 59, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन. उनके अर्ली प्लेज किस टाइम पीरियड में लिखे गए? सो 1589 टू 1595 में उनके प्लेज जो हैं लिखे गए हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क बिटवीन. जो उनके जो पॉपुलर वर्क हैं वो उन्होंने कब प्रोड्यूस किए, कब लिखे? 1589 टू 1613. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61, हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरली. उनके जो अर्ली प्लेज थे वो क्या थे? कॉमेडीज एंड हिस्ट्री. ठीक है, विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो थ्री कैटेगरीज में उन्होंने लिखे थे. ठीक है, कॉमेडी, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी. तो जो उनके अर्ली प्लेज हैं वो कॉमेडी और हिस्ट्री थे. ठीक है, नेक्स्ट है 62, इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ शेक्सपियर रोट. अपने लास्ट फेज में शेक्सपियर ने क्या लिखा था? सो शेक्सपियर रोट ट्रेजी कॉमेडीज ऑल्सो नोन एज रोमेंसेज, जिन्हें रोमेंस के नाम से भी जाना जाता है ट्रेजी कॉमेडीज को. नेक्स्ट है 63, इट इज़ सैड, ऐसा कहा गया दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज इरा. दिस इज, ये विलियम शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर है वो एक रियल इंसिडेंट पर आधारित था उनके एज की, जिस जो इंसिडेंट क्या थी? द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक सेक्स. इस घटना पर ये आधारित था. ठीक है, नेक्स्ट है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोटेड फॉर वॉट कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी. ठीक है, एक टर्म कौन किया था कीट्स ने? नेगेटिव कैपेबिलिटी, जिसके लिए किस राइटर के लिए इस मतलब ये टर्म किस राइटर पर एप्लीकेबल होता है? ठीक है, उनका तो ये जो टर्म है ना ये शेक्सपियर के ऊपर
एप्लीकेबल है. नेक्स्ट है 65, शेक्सपियर ओन ग्लोब थिएटर बट इट वॉज बर्न ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ. तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है. ठीक है, ये शेक्सपियर ग्लोब थिएटर के मतलब वो थे, बट ये जो जल गया था हेनरी एट की परफॉर्मेंस के दौरान. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 66, हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर. लियर से बेटर ट्रेजेडी कोई भी नहीं लिख पाएगा. इतनी अच्छी ट्रेजेडी लगी किसको? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को. इन्होंने प्रशंसा करी है किंग लियर की. नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट 67, विलियम शेक्सपियर मीज़र फॉर मीज़र इज़ ए. क्या है विलियम शेक्सपियर का मीज़र फॉर मीज़र? एक कॉमेडी है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 68, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट. हु एवर लव्ड दैट लव्ड एट नॉट एट फर्स्ट साइट. शेक्सपियर यूज्ड इट इन एज यू लाइक इट, बट हु इज़ द कंपोजर ऑफ दिस इमॉर्टल लाइन. ये जो लाइन है उन्होंने भले ही अपने वर्क एज यू लाइक इट में यूज़ की है, बट इस लाइन के कंपोजर कौन थे? सो दिस लाइन, दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज पोएम हीरो एंड लैंडर. ठीक है, ये जो लाइन है क्रिस्टोफर मार्लो की पोएम हीरो एंड लैंडर से शेक्सपियर ने अडॉप्ट की थी. ठीक है, वैसे ये लाइन शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में सेफर्ड फीवे के द्वारा बोली गई है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69, शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम. इन्होंने अपना रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला किससे बोरोड किया था? विलियम शेक्सपियर ने रॉबर्ट ग्रीन से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले इज द ड्रामाटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पॉन्डस्टो. शेक्सपियर का कौन सा प्ले रॉबर्ट ग्रीन के पेंडस्टो पर बेस्ड है? सो उनका विंटर्स टेल इज बेस्ड ऑन रॉबर्ट ग्रीन पॉन्डस्टो. नेक्स्ट है 71, बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर वर फ्रीक्वेंटली क्लोज इन लंदन ओइंग टू. ठीक है, ये एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, मतलब 1590 से लेके 1593, ये वो समय था जब थिएटर इंग्लैंड में बंद हो गए थे. किस वजह से बंद हो गए थे ये बताना है आपको. तो ब्यूबोनिक प्लेग, प्लेग फैला हुआ था इंग्लैंड में, बहुत आता था ये वहाँ पर, महामारी के रूप में फैलता था. नेक्स्ट है 72, इन विच प्ले शेक्सपियर यूज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड. ठीक है, शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये लॉन्गेस्ट वर्ड यूज़ हुआ है? ऑनरी फिका बी ली टू डी नी टे टी बस. भैया मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, इतना लंबा वर्ड यूज़ किया इन्होंने लव्स लेवर लॉस्ट में शेक्सपियर ने. ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि वर्ड यूज़ किसने किया, किसने बोला है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, द वार ऑफ रोजेस 1455 1487 फिगर्स इन द वर्क ऑफ. ठीक है, द वार ऑफ रोजेस की जो फिगर्स हैं वो किसके वर्क में मिलते हैं? शेक्सपियर के वर्क में. नेक्स्ट है 74, विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन. शेक्सपियर ने अपने कौन से वर्क को फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा है? सो ये वीनस एंड एडोनिस है, विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट वर्क है जिसे उन्होंने कहा द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन. नेक्स्ट है 75, हु रोट टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन द प्लेयर हाइट अबाउट शेक्सपियर. शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था ये? सो रॉबर्ट ग्रीन रोट टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन ए प्लेयर हाइट अबाउट शेक्सपियर. अपना पैम्फलेट उन्होंने एक पैम्फलेट आया था उनका रॉबर्ट ग्रीन का, उसमें उन्होंने ये पब्लिश करा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक. यानी कि उसे थोड़ा बहुत, वो जो विलियम शेक्सपियर हैं वो थोड़ा बहुत लैटिन जानते थे एंड थोड़ा बहुत ग्रीक वो जानते थे. ये एक फ्रेज़ है, ये किसने कोट किया है विलियम शेक्सपियर को? सो ये बेन जॉनसन ने उन्हें कोट किया है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 77, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर होलोफर्नेस अ स्कूल मास्टर अपीयर्स. एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का जिसमें एक करेक्टर अपीयर होता है होलोफर्नेस. तो ये प्ले कौन सा है? उनका लव लेवर लॉस्ट प्ले है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फोलियो अ पोस्थमस कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामेटिक वर्क वॉज पब्लिश्ड इन. ठीक है, जो शेक्सपियर हैं उनका फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था, यानी उनकी डेथ के मरने के बाद पब्लिश हुआ था? किस ईयर में पब्लिश हुआ था ये? 1623 में पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 79, इन 1623 मतलब 1623 में टू फेलो एक्टर एंड फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर -- पब्लिश्ड ए मोर डेफिनेटिव टेक्स्ट नोन एज द फर्स्ट फोलियो. ठीक है, विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो, उनके दो फ्रेंड थे और मतलब फोलो एक्टर भी थे वो, उन्होंने इसे 1623 में पब्लिश कराया था. उन एक्टर्स का और फ्रेंड का नाम क्या है? सो जॉन हीमिंग्स एंड हेनरी कंडेल. ये दो फेलो एक्टर थे जिन्होंने इनके वर्क को पब्लिश करवाया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मैनी प्लेज वर प्रिंटेड इन
फोलियो फॉर्मेट, फर्स्ट फोलियो इन 1623, ठीक है, जो फर्स्ट फोलियो आया था विलियम शेक्सपियर का, इसमें फोलियो फॉर्मेट में कितने प्ले प्रिंट हुए थे, पब्लिश हुए थे? सो ये 36 प्लेस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो? शेक्सपियर का कौन सा प्ले फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं हुआ था, 1623 में जो इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था उसमें कौन सा प्ले इंक्लूड नहीं किया था हेमिंग एंड कडिल के द्वारा, ठीक है, तो पेरिकल्स था, पेरिकल्स वॉज ऑमिटेड। नेक्स्ट है 82, द फर्स्ट फोलियो वॉज प्रीफेस्ड विद ए पोएम इन विच द पोइट प्रीसेंटली हेल्ड शेक्सपियर इन ए नाउ फेमस कोट एज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ठीक है। फर्स्ट फोलियो का जो प्रीफेस है वो एक पोएम है जिसमें शेक्सपियर को हेल्ड किया गया है, जो कि एक फेमस कोट है किसके द्वारा, बेन जॉनसन की पोएम है, ठीक है, बेन जॉनसन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83, द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वॉज डेडिकेटेड टू द इनकम्पेरेबल पेयर ऑफ ब्रिथन विलियम, मतलब विलियम शेक्सपियर का जो ये फर्स्ट फोलियो है ना, मतलब प्लेस थे, ये किसको डेडिकेट थे, मतलब ये जो विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो एडिशन था ये किसको डेडिकेटेड था, डेडिकेट था ये किसी को, तो ये डेडिकेट था विलियम हर्बर्ट, थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक एंड हिज ब्रदर, और उनके ब्रदर फिलिप हर्बर्ट अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी को ये डेडिकेट था, ठीक है, लेटर 14th सेंचुरी अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 84, हाउ मैनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश इन क्वार्टो एडिशन बिफोर 1623, ठीक है, 1623 से पहले मतलब कितने प्ले विलियम शेक्सपियर के क्वार्टो एडिशन में पब्लिश हो गए थे, सो ये 18 प्ले। नेक्स्ट है 85, क्वेश्चन नंबर 85, हु क्रिटिसाइज्ड शेक्सपियर इन ए पैम्फलेट कॉल्ड ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस 1592, ठीक है, विलियम शेक्सपियर को अपने एक पैम्फलेट में क्रिटिसाइज किया था जिसका नाम था अ ग्रोट वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन रिपेंटेंस 1592। सो रॉबर्ट ग्रीन का रॉबर्ट ग्रीन थे ये जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था अपने पैम्फलेट में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 86, हु कॉल्ड शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हीयर ऑफ फेम व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये लाइन किसने बोली है, जॉन मिल्टन ने बोली है शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 87, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाय, ये किसके द्वारा कहा गया है, बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया है, बेन जॉनसन ने कहा था कि शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 88, टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे दीज लाइन्स अकर इन, ये जो लाइन्स हैं ये किस प्ले में, किस प्ले से मतलब ली गई हैं, सो मीज़र फॉर मीज़र प्ले से ये ली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 89, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी, शेक्सपियर का कौन सा ड्रामा जिसमें कोई प्रोज नहीं है, केवल मतलब केवल क्या है, पोइट्री में वो लिखा गया है जिसे लिरिकल ट्रेजेडी बोला जाता है, सो ये रिचर्ड सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 90, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ही हैज़ ओनली हीरोइंस, सो ये बहुत फेमस कमेंट है विलियम शेक्सपियर की हीरोइंस के ऊपर किया गया है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की जो प्लेज हैं उनमें उनकी जो हीरोइन है बहुत शाइन करती हैं, जैसे मिरांडा हुई, पोर्सिया हुई, बहुत ही ब्यूटीफुल हीरोइन है और उनको ज़्यादा लोग मतलब पसंद करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि वही है मतलब मेन प्रोटागोनिस्ट उनके प्ले के अंदर। तो ये कमेंट किया था जॉन रस्किन ने विलियम शेक्सपियर की हीरोइंस के ऊपर कि उनके पास कोई हीरो नहीं है, केवल हीरोइंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 91, हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस, विलियम शेक्सपियर को किसने प्रेज किया है इन लाइंस में, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर फ्री वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस आर स्टिल, सो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने उन्होंने अपनी कविता शेक्सपियर में ये लाइन्स लिखी हैं विलियम शेक्सपियर की। इन द ओपिनियन ऑफ क्रिटिक्स द बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वर रिटेन, ठीक है, जो क्रिटिक्स हैं उनके ओपिनियन में है कि जो विलियम शेक्सपियर के बेस्ट वर्क हैं वो आफ्टर 1603, मतलब 1603 के बाद आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट,
ठीक है। सो लाइन्स हैं, ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइटी येट, कि ओ जूलियस सीजर तुम अब भी शक्तिशाली हो, दाई स्प्रिट वॉक अब्रॉड एंड टर्न्स अवर सोर्ड इन अवर प्रॉपर एक्सटर्नल। ये कोट किया गया है जूलियस सीजर को। व्हाट इज़ द सेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का सेंस क्या है। सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, यानी कि जो सीजर है वो अपनी डेथ के बाद भी क्या है, शक्तिशाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार, के डियर ब्रूटस जो फॉल्ट है वो हमारे हम में हमारे स्टार में नहीं है बट इन अवर सेल हम में है वो। दैट वी आर अंडरलिंग्स, कि हम इग्नोर कर रहे हैं सीजर को। कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज, ये रिमार्क है कैसियस का ब्रूटस से, क्यों किया था उसने ये कमेंट। ही वॉज ज्वेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर, क्योंकि वो बढ़ती पावर से सीजर की से जल रहा था। एंड वॉन्टेड टू इंसाइट ब्रूटस अंगेस्ट सीजर, और वो उसे इंसाइट करना चाहता था ब्रूटस के अंगेस्ट। नेक्स्ट है 95, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय, ये स्टेटमेंट है किसके द्वारा, मतलब शेक्सपियर के ऊपर किया गया है, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन है यहाँ पर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाई विलियम शेक्सपियर, सो ये वर्क है डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 97, द लैंग्वेज यूज्ड बाई शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज, जो लैंग्वेज शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में यूज़ करी है वो है ब्लैंक वर्ड्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 जनरली शो ए रीएनेक्शन ऑफ, यानी कि शेक्सपियर की जो सोनेट हैं 1 से लेके 126 तक वो क्या दिखाती हैं, तो वो एक उनकी पर्सनल रिलेशनशिप को दिखाती हैं, जो उनके यंग रिच पैटर्न के साथ उनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप थी उसे ये दिखाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडी। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कौन सबसे पहले बॉर्न हुआ था, तो यहाँ तो विलियम शेक्सपियर है, तो ऐसा तो नहीं है कि विलियम शेक्सपियर ही इस दुनिया में सबसे पहले आए थे। वहाँ ऑप्शंस को देखकर आप लोग अपना आंसर लगा देना, वहाँ पर कुछ और राइटर्स की भी नाम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 101, हु रोट लिलीज दैट फीस्ट स्मेल फॉर रोज दैन वीट्स, शेक्सपियर का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, हु नेम्स द हिस्टोरिकल प्लेज ऑफ शेक्सपियर ए मिरर ऑफ किंग, ठीक है, शेक्सपियर की जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं उन्हें मिरर ऑफ किंग कहा है किसने, सहगल ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज स्ट्रेच ओवर ए पीरियड ऑफ 350 ईयर्स ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम, सो 1200 से लेके 1550 तक का जो टाइम पीरियड है वो उनके हिस्ट्री प्लेज दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 104, इन 1726 द लॉयर पोइट एंड पैंटोमाइम डिवाइजर लुइस थेबॉल्ड पब्लिश दिस स्कैथिंग पैम्फलेट कॉल्ड शेक्सपियर रिस्टोर्ड, ठीक है, ये जो है कितना लंबा नाम है इनका, इन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश किया शेक्सपियर के ऊपर जिसका नाम है शेक्सपियर रिस्टोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105, हु इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन, ठीक है, तो ये शेक्सपियर हैं जो इन पर सबसे ज़्यादा कोट किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 106, शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड सेजनस हिज फॉल, ठीक है, जो शेक्सपियर हैं उन्होंने बेन जॉनसन के एवरी मैन हिज ह्यूमर में वर्क किया, एक्टिंग की थी, और उनका एक और वर्क है सेजनस हिज फॉल, इसमें भी उन्होंने एक्टिंग की थी। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 106 तक हमने कर लिया था पार्ट वन में, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ पर 107 है, द लंदन पब्लिक प्ले हाउसेज वर रिपीटेडली क्लोज ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आउटब्रेक ऑफ द प्ले फॉर ए टोटल ऑफ 60 मंथ क्लोजर बिटवीन, तो लंदन में जो प्ले हाउसेज यानी कि जो थिएटर्स थे वो लगभग 7 महीनों तक बंद रहे थे, कब से कब तक बंद रहे थे ये आपको बताना है, तो May 1603 एंड February 1610 तक ये जो है प्ले हाउसेज हैं लंदन में बंद रहे थे ड्यू टू प्लेग की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, शेक्सपियर वॉज बरीड इन द कैंसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च डैश हिज डेथ,
ठीक है, शेक्सपियर को होली ट्रिनिटी चर्च में बरीड किया गया था उनकी डेथ के 2 दिन बाद. सो आंसर है आफ्टर टू डेज आफ्टर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109. फाइंड द नेम ऑफ द इंग्लिश फिजिशियन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट हु पब्लिश द फैमिली शेक्सपियर 1807 एंड एक्सपर्गेटेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर वर्क एडिटेड बाई हिज सिस्टर हैनरिटा मैरिया वॉर्डलर इंटेंडेड टू बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर 19th सेंचुरी वोमेन एंड चिल्ड्रन दैन द ओरिजिनल. तो ये हैं, ये फिजिशियन का नाम है थॉमस बॉर्डलर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110. द हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो ऑफन रेफर टू एज मेयरली कार्डेनियो इज अ लॉस्ट प्ले एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर एंड. तो ये कार्डेनियो विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर को एट्रीब्यूटेड है. ये उनका प्ले है जो उनकी लाइफ टाइम में परफॉर्म तो किया गया था बट आज की डेट में इसका कोई रिटन अकाउंट अवेलेबल नहीं है. तो ये एक लॉस्ट प्ले है उनका. नेक्स्ट, विच क्रिटिक सा क्लियोपेट्रा एज थिंग एंड नो विल्डर ऑफ पावर बट रादर दैट हर डिवोरिंग सेक्सुअलिटी डिमिनिशेज हर पावर. तो ये स्टेटमेंट है टीएस एलियट का जिन्होंने क्लियोपेट्रा के लिए बोला है. नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट प्ले हाउस बिल्ट बाई एक्टर फॉर एक्टर्स ऑन द साउथ बैंक ऑफ द टेम्स एट साउथ वार्क वॉज. ठीक है, फर्स्ट प्ले हाउस बनाया गया था एक्टर्स के लिए टेम्स नदी के साउथ मतलब दक्षिणी किनारे पर. टेम्स रिवर है जो इंग्लैंड में, उसके दक्षिणी किनारे पर बनाया गया था जो कि ग्लोब थिएटर था. सो आंसर इज ग्लोब थिएटर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113. द ग्लोब ओपन इन ऑटम 1599. विच प्ले वॉज फर्स्ट टू बी स्टेज्ड हेयर. यानी ग्लोब थिएटर बन के तैयार हो गया था इन 1599 में, 1599 में ये बन गया था. और कौन सा प्ले था जिस पर पहली बार परफॉर्म किया गया था? तो ये प्ले था जूलियस सीजर, जो कि फर्स्ट टाइम इस पर परफॉर्म किया गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114. द एक्टर्स इन शेक्सपियर कंपनी इंक्लूडेड द फेमस रिचर्ड बर्वेज विलियम कैम्पे हेनरी कंडेल एंड. यानी शेक्सपियर की प्लेइंग कंपनी में कौन कौन से एक्टर शामिल थे जिनमें फेमस थे रिचर्ड बर्वेज जो कि मेन मतलब हीरो वगैरह के रोल यही किया करता था रिचर्ड बर्वेज, विलियम कैम्प जो कि कॉमेडी मतलब रोल किए उसको दिए जाते थे, हेनरी कंडेल एंड जॉन हेमिंग्स, ये सारे उनके कंपनी में एक्टर्स थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115. विच एक्टर प्लेड रोल सच एज टच स्टोन इन एज यू लाइक इट एंड फूल इन किंग लियर. है ना, किसने टच स्टोन का और किंग फूल का रोल किया था इन किंग लियर? रॉबर्ट आर्मिन जो एक्टर था उसने टच स्टोन का रोल किया था इन एज यू लाइक इट और फूल का रोल किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 116. विच पॉपुलर कॉमिक एक्टर प्लेड द रोल ऑफ सर्वेंट पीटर इन रोमियो एंड जूलियट एंड डॉग वेरी इन मच एडो अबाउट नथिंग. किस फेमस एक्टर ने रोमियो एंड जूलियट के अंदर पीटर का रोल एंड डॉग वेरी का रोल इन मच एडो अबाउट नथिंग में किया था? तो विलियम कैम्पे था. यानी कि ये जो हमारी हिंदी फिल्म है जिनमें जॉनी लीवर टाइप के एक्टर होते हैं उस तरीके का एक्टर था विलियम कैम्पे. यानी कॉमेडी रोल इसको दिए जाते थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117. फर्स्ट फोलियो अ कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस कंटेंट 36 टेक्स्ट. हाउ मैनी ऑफ देम वर प्रिंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें 36 थे. उससे पहले कितने फर्स्ट टाइम मतलब इनके पब्लिश हो चुके थे? तो 18 से पहले, फर्स्ट फोलियो से पहले पब्लिश हो चुके थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118. हु रिमार्क दैट शेक्सपियर वॉन्टेड आर्ट. किसका रिमार्क है? सो बेन जॉनसन का रिमार्क है शेक्सपियर वॉन्टेड आर्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119. इन द 19th सेंचुरी हु पोर्ट क्रिटिकल एडमिरेशन दैट किंग शेक्सपियर डज नॉट ही शाइन इन क्राउन सोवर्निटी ओवर अस ऑल एज द नोबलेस्ट जेंटलेस्ट यट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ रैलिंग साइन इन डेस्ट्रिक्टिबल. ये स्टेटमेंट है थॉमस कार्लाइल का. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120. विच इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक रोट हिज एसे द व्हील ऑफ फायर ऑन शेक्सपियर्स ड्रामा. ठीक है, किस इंग्लिश मतलब लिटरेरी क्रिटिक ने अपना एसे लिखा है विलियम शेक्सपियर के ड्रामा के ऊपर?
द व्हील ऑफ फायर, जी विल्सन नाइट। जी विल्सन नाइट ने उनके ड्रामास के ऊपर अपने एसेज लिखे हैं जिसका नाम है द व्हील ऑफ फायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, हु इज क्रिटिसाइज बाई बेन जॉनसन इन द वर्ड्स। बेन जॉनसन के द्वारा किसे क्रिटिसाइज किया गया है, ये वर्ड्स हैं ही वॉज इन डीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, हैड एन एक्सीलेंट फैंसी, ब्रेव नोशंस एंड जेंटल एक्सप्रेशंस, वेयर इन ही फ्लोड विद दैट फैसिलिटी दैट समटाइम इट वॉज नेसेसरी ही शुड बी स्टॉप्ड। सो ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर के लिए कहा है बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, वॉट नीड माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर बोन्स, द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन, और दैट इज हॉल हेलोट रैलीक्विज शुड बी हिड अंडर स्टार पॉइंटिंग पिरामिड। तो ये जो लाइन्स हैं ये जॉन मिल्टन की हैं, उन्होंने अपनी उनकी कविता है ऑन शेक्सपियर उसमें उन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, सैमुअल पेपीज इन हिज डायरी एंट्री 429 सितंबर 1662 क्रिटिसाइजेज ए प्ले ऑफ शेक्सपियर इन दी वर्ल्ड, इट इज़ द मोस्ट इंसिपिड रिडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माई लाइफ, आई सॉ आई कन्फेस सम गुड डांसिंग एंड सम हैंडसम वीमेन विच वॉज ऑल माई प्लीजर द प्ले वॉज। ठीक है, सैमुअल पेपीज ये बहुत बड़ा नाम है, डायरिस्ट थे, ये डायरी लिखा करते थे, डायरिस्ट में इनका नाम बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ लिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो डायरी एंट्री करी है उसमें उन्होंने लिखा शेक्सपियर के मतलब एक प्ले को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, बेसिकली उस प्ले का नाम बताना है आपको। तो मिड समर नाइट ड्रीम को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है अपनी डायरी में, मिड समर नाइट ड्रीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, हु एडमायर्ड शेक्सपियर इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी सेइंग दोज हु एक्यूज हिम टू हैव वांटेड लर्निंग गिव हिम द ग्रेटर कमेंडेशन, ही वॉज नेचुरली लर्न, ही नीड नॉट दी स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, ही लुकड इन वर्ड एंड फाउंड हर देयर। तो ये फेमस एडमिरेशन की गई है विलियम शेक्सपियर की जॉन ड्राइडन के द्वारा, मतलब उन्होंने कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि वो मतलब ऐसे मतलब शेक्सपियर की जो क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों को शेक्सपियर से सीखने की ज़रूरत है ना कि कमेंट करने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, इन 1712 वन ऑथर कमेंटेड, है ना, 1712 की बात है ये कि एक ऑथर ने उनके ऊपर कमेंट किया था विलियम शेक्सपियर के ऊपर, एवंग द इंग्लिश शेक्सपियर हैज़ इनकम्पेरेबली एक्सेल्ड ऑल अदर दैट नोबल एक्सट्रावेजेंस ऑफ फैंसी विच ही हैड इन सो ग्रेट परफेक्शन थ्रूआउटली क्वालिफाइड हिम टू टच हिज रीडर्स इमेजिनेशन एंड मेड हिम कैपेबल ऑफ सक्सीडिंग वेयर ही हैड नथिंग टू सपोर्ट हिम बिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ओन जीनियस, है ना। तो ये कमेंट उनके ऊपर किया है जोसेफ एडिशन ने इन द स्पेक्टेटर नंबर 419, है ना, इन्होंने लिखा था, ये जर्नल्स वगैरह लिखा करते थे जोसेफ एडिशन, तो इन्होंने अपने जर्नल्स द स्पेक्टेटर में ये कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स, को किसने कमेंट किया शेक्सपियर के ऊपर इन वर्ड्स में, हिज करेक्टर आर सो मच नेचर हेयर सेल्फ दैट इट इज सॉर्ट ऑफ इंजरी टू कॉल देम बाई सो डिस्टेंट अ नेम एज कॉपीज ऑफ हर। अलेक्जेंडर पोप ने कमेंट किया है कि उनकी मतलब जो शेक्सपियर के नेचर जो करेक्टर हैं वो इतने ज़्यादा नेचुरल थे कि नेचर को ऐसा लगता था कि वो नेचर की ही कॉपी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन दी वर्ड्स, इन वर्ड्स में किसने उन्हें कमेंट किया है, आई विल कंक्लूड बाई सेइंग ऑफ शेक्सपियर दैट विद ऑल हिज फॉल्ट इन कंपेरिजन ऑफ दोज दैट आर मोर फिनिश्ड एंड रेगुलर एज अपॉन एन एंशियंट मजेस्टिक पीस ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर कंपेयर्ड विद अ नीट मॉडर्न बिल्डिंग, द लेटर इज मोर एलिगेंट एंड ग्लेयरिंग बट द फॉर्मर इज मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर सॉलिड। अलेक्जेंडर पोप का ही स्टेटमेंट है ये वाला भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर, किसने किसका कमेंट है ये, इन द वर्ड्स, द टाइम विच अलोन मेक द रेपुटेशन ऑफ मैन एट द एंड मेड देयर फॉल्ट रेस्पेक्टेबल, द मोस्ट जिगजेंटिक एंड बिजारी आइडियाज ऑफ दिस ऑथर
हैव अर्न आफ्टर 200 ईयर द राइट टू बी कंसिडर्ड सबलाइम, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर, परहैप्स इट वुड नॉट बी ईजी टू फाइंड एनी ऑथर एक्सेप्ट होमर, है ना, हु इन्वेंटेड सो मच एज शेक्सपियर. मतलब शेक्सपियर के अलावा, मतलब ऑथर के अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं है जिसने इतना इन्वेंट किया हो जितना कि शेक्सपियर ने. यहाँ पर शेक्सपियर की तुलना की गई है होमर के साथ. हु सो मच एडवांस द स्टडीज विच ही कल्टिवेटेड और इफ्यूज सो मच नोवल्टी अपॉन हिज एज और कंट्री, द फॉर्म द करेक्टर द लैंग्वेज एंड द शो ऑफ द इंग्लिश ड्रामा आर हिज, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स, देयर इज नो प्लीजर ग्रेटर एंड प्योरर दैन विद आईज क्लोज्ड अ कंपनी अ शेक्सपियर प्ले नॉट डिक्लेम्ड बट रिसाइटेड बाई अ सेफ एंड नेचुरल वॉइस, जॉन वॉल्फगैंग गूथे. गूथे का स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, हु कमेंटेड परहैप्स नो वन हैज़ मेड सो ग्रेट एज द फर्स्ट मेजर लिंक ऑफ विश एंड ड्यूटी इन द इंडिविजुअल करेक्टर एज शेक्सपियर डिड. गूथे का स्टेटमेंट है, नेट 2007 में आया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, हु रोट इन ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इंग्लिश मैन एंड वीमेन विल से टू वन अनदर, यस दिस शेक्सपियर इज अवर्स, वी प्रोड्यूस्ड हिम, वी स्पीक एंड थिंक बाई हिम, वी आर ऑफ वन ब्लड एंड काइंड विद हिम. थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है, उनका वर्क है ये ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड हीरोइक इन हिस्ट्री, इसमें इन्होंने ये सब लिखा है. मतलब बहुत सारे हीरोज़ को लेके उन्होंने उसमें लिखा है, तो उसमें से एक है विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, हु राइट आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, शेक्सपियर द ओसन. मतलब शेक्सपियर को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो मैं कहूंगा शेक्सपियर द ओसन, मतलब वो एक ओसन की तरह है, ओसन है वो. तो विक्टर ह्यूगो का कमेंट है ये. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, हु राइट आई एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ पावरफुल एस्थेटिक प्लीजर बट हैविंग रीड वन आफ्टर द अदर वर्क रिगार्डेड एज इज बेस्ट, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट एंड मैकबेथ, नॉट ओनली डिड आई फील नो डिलाइट बट आई फेल्ट एंड इरेसिस्टिबल रिपल्सन एंड टीडियम. और ये स्टेटमेंट है लियो टॉल्स्टॉय, ये एक नोटोरियस राइटर है. मतलब नोटोरियस इन द सेंस कि इन्होंने मतलब अच्छे वे में कमेंट नहीं किया शेक्सपियर को, नेगेटिव कमेंट किया है कि मतलब जो जिन प्लेस को उनको उनकी फेमस माना जाता है, जो उनकी फेमस ट्रेजडीज हैं जैसे किंग लियर वगैरह, मैं तो उनको पढ़ने के बाद मेरे को तो उनसे घृणा होने लगी, है ना, ऐसे कहा है इन्होंने. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर. ठीक है, जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मैं एकदम आश्चर्य से भर जाता हूँ. दैट सच ट्रीवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, कि मतलब वो लोग कितने तुच्छ हैं, मतलब ट्रीवियल हैं, है ना, कि इतनी सुंदर लैंग्वेज की भी मतलब उसको क्रिटिसाइज करते हैं. कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, हाउ बोरिंग हाउ स्मॉल शेक्सपियर पीपल आर, येट द लैंग्वेज सो लवली लाइक द डाइज फ्रॉम गैस्चर, है ना. तो डी एच लॉरेंस का स्टेटमेंट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है जब वो शेक्सपियर को पढ़ते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, विच मॉडर्न ऑथर सपोर्टेड द थ्योरी दैट द वर्क एट्रिब्यूटेड टू शेक्सपियर वर रिटन बाई एडवर्ड दी वे द अर्ल ऑफ ऑक्सफर्ड इंसिडेंटली इन इन दिस मीन टाइम आई स्टॉप टू बिलीव दैट द ऑथर ऑफ शेक्सपियर वर्क वर द मैन ऑफ स्टेट फोर्ड, है ना, सिगमंड फ्रॉड का है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, हु राइट टू बी एबल टू डिवोट वंस लाइफ टू आर्ट विदाउट फॉरगेटिंग दैट आर्ट इज फ्राइवोलस इज अ ट्रिमंडस अचीवमेंट ऑफ पर्सनल करैक्टर, शेक्सपियर नेवर टेक हिमसेल्फ टू सीरियसली, डब्ल्यू एच ऑर्डन का स्टेटमेंट है ये. डब्ल्यू एच ऑर्डन मॉडर्न पोइट हैं ये, 20th सेंचुरी से एसोसिएटेड है. नेक्स्ट है 138, हु रोट, ये भी स्टेटमेंट है टी एस एलियट का, बहुत फेमस स्टेटमेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है. दंते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन दैम, देयर इज नो थर्ड, यानी कि जो पूरा एंशियंट से लेके जो मॉडर्न टाइम है ये सिर्फ दो ही राइटर के बीच में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, यानी दंते और शेक्सपियर, नो थर्ड, नो वन थर्ड, कोई तीसरा नहीं है उनकी नज़र में.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, हु रोड द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न टाइम एंड यूज अनलेस द लिमिटेशंस ऑफ अवर क्रिटिकल ऑफ ऑल टाइम, ऑटो मैरिया कारपैक्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, हु कमेंटेड इन द वर्ड्स शेक्सपियर इज़ द कैनन. ही सेट द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट ऑफ लिटरेचर, है ना. शेक्सपियर को कैनन कहा है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने शेक्सपियर ही वो इंसान है जिन्होंने लिटरेचर की लिमिट और स्टैंडर्ड को मतलब स्टैंडर्ड को और लिमिट को सेट किया है. हैरोल्ड ब्लूम का स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 141, हु रोट शेक्सपियर डिवोट ग्रेट केयर टू एस्टेब्लिशिंग द पॉलिटिकल सेटिंग इन ऑलमोस्ट ऑल हिज प्लेज एंड हिज ग्रेटेस्ट हीरोज आर रूलर्स हु एक्सरसाइज कैपेसिटीज विच कैन ओनली बी एक्सरसाइज विद इन सिविल सोसाइटी. टू नेगलेक्ट दिस इज सिंपली टू बी ब्लाइंडेड बाई द ब्रिलियंस ऑफ वंस ओन प्रेजुडाइसिस. एलन ब्लूम का है ये. नेक्स्ट है, हु कमेंटेड इन द वर्ड शेक्सपियर फाउंड मैनी इंजीनियस वेज टू मेक इट सीम दैट हिज ग्रेटेस्ट प्लेज अनफोल्डेड ऑफ देम सेल्व लाइक अ डेस्टिनी रादर देन बाई टेक्निकल एक्सपर्ट सच स्कीमिंग. कैनथ बर्क का स्टेटमेंट है ना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, हु कमेंटेड अ गुड मेटाफर फॉर द एक्शन ऑफ कैजुअल इंसीडेंटल रिलेशनशिप अमंग वर्ड एंड आइडियाज इन शेक्सपियर इज पैचिना. स्टीफन बूथ का स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, द टर्म बार्डोलेट्री ड्राइव फ्रॉम कॉइनेज बार्डोलेटर कंबाइनिंग द वर्ड बार्ड एंड आइडोलेट्री बाई रेफर्स टू द एक्सेसिव एडोलेशन ऑफ शेक्सपियर. यानी बार्डोलेट्री एक टर्म है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी बार्ड एंड आइडोलेट्री. बार्ड मतलब शेक्सपियर और आइडोलेट मतलब जो लोग शेक्सपियर को पूजा करते हैं यानी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं शेक्सपियर की, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे जी बी शॉ उनमें से हैं एक. नेक्स्ट है 145, हु यूज द फ्रेज स्टिल वैक्स्ड बर्मूथ फॉर द इमॉर्टल पेजेस ऑफ हैक्लिट. ये फ्रेज है स्टिल वैक्स बर्मूथ, है ना, विलियम शेक्सपियर के द्वारा यूज़ किया गया था इसे, विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर वर क्लोज्ड ओइंग टू, है ना, इस समय थिएटर बंद हो गए थे, डिस्टर्बेंसेज कॉज्ड बाई द एक्टर्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, विच प्ले वॉज ऑमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो एडिशन इन 1623. ठीक है, शेक्सपियर के 4 फोलियो आए थे, यानी फर्स्ट फोलियो उनका 1623 में आया था, जिसमें से एक प्ले को ऑमिटेड किया गया था. बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बार बार आता है. पेरिकल्स था वो प्ले जिसे ऑमिटेड किया गया इन मतलब फर्स्ट फोलियो एडिशन में. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 148, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोइट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना. जॉन ड्राइडन ने कहा है, शेक्सपियर को प्रेस किया है मतलब. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, हु स्पीक दिस लाइन पीस पीस डस डाउ नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट दैट सक द नर्स एस्लीप. ये स्टेटमेंट है, मतलब कौन सी प्ले से ये लाइन्स ली गई हैं, शेक्सपियर के ही बताना है. तो ये लाइन्स हैं उनका जो फेमस प्ले है क्लोपैट्रा एंड एंटनी एंड क्लोपैट्रा, है ना, मतलब क्लोपैट्रा बोलती है इस प्ले में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, हु रोड इन हिज नोटबुक शेक्सपियर ड्राइटन एंड बेन जॉनसन हैड ए मेरी मीटिंग एंड इट सीम ड्रंक टू हार्ड फॉर शेक्सपियर डाइड ऑफ ए फीवर देयर कंट्रैक्ट. मतलब एक जगह एक मतलब राइटर हैं जॉन वार्ड, उन्होंने अपने लिखा है बुक में कहीं एक जगह कि शेक्सपियर ये लोग मिले थे एक जगह जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी मतलब शराब पी ली और शेक्सपियर को फीवर आ गया. फीवर की वजह से, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से शेक्सपियर की डेथ हो गई थी. तो ये थे जॉन वार्ड द कार ऑफ स्टेट फोर्ड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 151, इन विच ऑफ हिज नोवल डज इटैलो कैल्विनो कंस्ट्रक्ट हिज नैरेटिव थ्रू अ टैरट पैक ऑफ कार्ड एंड री इंटरप्रेट द वेस्टर्न कैनन प्रोवाइडिंग न्यू वर्जन ऑफ इडिपस रैक्स फर्स्ट हैमलेट मैकबेथ एंड किंग लियर द कासल ऑफ क्रॉस डेस्टिनीज. ठीक है, ये इनका नोवल है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, इन विच प्ले एक करेक्टर सीज, कौन से प्ले में एक करेक्टर कहता है ओ
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, इन विच प्ले, कौन से प्ले में करेक्टर सेज कहता है, ओ स्वीट मिस्टर शेक्सपियर आई विल हैव हिज पिक्चर इन माई स्टडी एट द कोर्ट, एनोनिमस प्ले रिटर्न फ्रॉम पार्नसस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, विच वॉल्यूम वॉज प्रीफेस्ड विद ए पोएम बाई बेन जॉनसन इन विच जॉनसन प्रेसेंटली हैज शेक्सपियर इन ए नाउ फेमस कोट एज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ठीक है, फर्स्ट फोलियो 1623, ये कोट है बेन जॉनसन ने किया था शेक्सपियर के द्वारा, जो कि है वो एक फेमस कोट बन गया है ना, उनके फर्स्ट फोलियो में ऐड किया गया उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एडिटर ऑफ वर्क ऑफ द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट एडिटर किसे माना जाता है, निकोलस रॉ, निकोलस रॉ को विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट बायोग्राफर माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155, हु रोट अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर एंड टाइटल सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ये भी निकोलस रॉ हैं। निकोलस रॉ इज द फर्स्ट बायोग्राफर और विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, हु हैज़ रिटन द पॉपुलर बुक शेक्सपियर सेक्स एंड लव, ये शेक्सपियर के ऊपर बुक लिखी है किसने लिखी है, स्टैनली वेल्स हैं, स्टैनली वेल्स की बुक है शेक्सपियर सेक्स एंड लव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, At what age Shakespeare appear to have retired to Stratford, where he died 3 years later? Age 49, around 1613. In which work Ben Jonson presently hails Shakespeare in a now famous quote, not of an age but for all time. कि विलियम शेक्सपियर केवल एक एज के लिए नहीं थे, वो तो मतलब एवरग्रीन है फॉर ऑल टाइम, ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था, प्रीफेस टू फर्स्ट फोलियो पब्लिश इन 1623 है ना, फर्स्ट फोलियो में इसे ऐड किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, विलियम शेक्सपियर इज ए क्रिटिकल एसे पब्लिश इन 1864 बाय विक्टर ह्यूगो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, हु रोट द फोर्थ कमेंडेटरी वर्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज 1623, जेम्स मे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, द पिक्टोरियल शेक्सपियर विच हैड अपीयर्ड इन पार्ट 1838-1841 इज ए वर्क बाय चार्ल्स नाइट का वर्क है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, इलेरिया इज द एग्जॉटिंग सर्चिंग ऑफ ट्वेल्थ नाइट इन विच अदर प्ले शेक्सपियर हैज़ रेफर टू दिस प्लेस एज अ साइट ऑफ पिरेट। ठीक है, तो ये जो इलेरिया है ये ट्वेल्थ नाइट की सेटिंग है, रखी गई है इस जगह विलियम शेक्सपियर की, और कौन सा प्ले है विलियम शेक्सपियर का जिसमें इस जगह की बात की गई है ना, तो वो है हेनरी सिक्स पार्ट टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, मालवोलियो अ कॉमेडी ऑफ हियर और इम्पोस्टर्स इज ए वर्स प्ले रिटन बाय, है ना, मालवोलियो के ऊपर एक वर्स प्ले लिखा गया है एमिली सी ए सिंडर के द्वारा, मालवोलियो जो कि ट्वेल्थ नाइट विलियम शेक्सपियर का प्ले है उसमें ये करेक्टर है, इसके ऊपर उन्होंने वर्स प्ले लिखा है एमिली सी ए सिंडर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, मालवोलियो रिवेंज इज ए पॉपुलर फिक्शनल वर्क बाई सोफी मैसन, है ना, मालवोलियो के ऊपर बहुत सारे वर्क लिखे गए हैं, एक वर्क है मतलब एक वर्स प्ले लिखा गया है वो सिंडर के द्वारा, एक है उनका मालवोलियो रिवेंज इज ए पॉपुलर, उनने फिक्शनल वर्क लिखा है, ये सोफी मैसन है, इन्होंने मालवोलियो के ऊपर फिक्शन वर्क लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, हु पब्लिश्ड ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री 1909 विच इंक्लूड एन एसे ऑन शेक्सपियर एंटनी एंड क्लोपैट्रा एंड एसे एंटाइल्ड टाइटल्ड शेक्सपियर द मैन, ए सी ब्रेडली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166, हु इज द ऑथर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 विच सेंटर ऑन शेक्सपियर फोर ग्रेट प्ले किंग लियर ओथेलो हैमलेट एंड मैकबेथ। ठीक है, हु इज़ द ऑथर, मतलब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के ऑथर हैं ए सी ब्रेडली, जिसमें उन्होंने उनकी ग्रेट फोर्थ ट्रेजेडी को फोकस किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167, हु ऑरिजिनेटेड द टर्म प्रॉब्लम प्ले विद रिगार्ड टू शेक्सपियर अ फ्यू प्लेज,
ठीक है, ये जो टर्म है प्रॉब्लम प्ले, किसने ऑरिजिनेट किया था? तो फ्रेडरिक बॉस ने इसे ऑरिजिनेट किया था, प्रॉब्लम प्ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन स्कॉलर इन 1875 रोट शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट। ये कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने ये लिखा है शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट? ये हैं, ये वर्क है एडवर्ड डोडेन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, विच टेल ऑफ शेक्सपियर ड्राइडन फाउंड टू बी पार्टिकुलरली बैड, रेफरिंग टू इट एज ए हीप ऑफ रबिस। ठीक है, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो ड्राइडन ने उसे ए हीप ऑफ रबिस कहा है? ए हीप ऑफ रबिस, टेल ऑफ ट्रॉलियस, ट्रॉलियस को ड्राइडन ने हीप ऑफ रबिश कहा है। नेक्स्ट है 170, हु रिकॉग्नाइज द ब्रिलियंस ऑफ शेक्सपियर इन हिज वर्क प्रोलॉग टू औरंगजेब इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, शेक्सपियर को प्रेज किया है अपने वर्क औरंगजेब में। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द पोइट प्राइड अ सीक्रेट शेम इनवेड हिज ब्रेस्ट एट शेक्सपियर सेक्रेट नेम आउट वेन ही हियर हिज गॉड लाइक रोमन रेज ही इन जस्ट डेस्पेयर वुड क्वाइट quit the stage and to an age less polished, more unskilled, thus with disdain the foremost honor yield। John Dryden है ये, John Dryden ने अपने वर्क में प्रेज किया है विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, हु रोट अ कलेक्शन ऑफ टू पोइम अंडर द कलेक्टिव टाइटल कोरियोलेन इन ऑनर ऑफ शेक्सपियर प्ले कोरियोलेनस। यानी शेक्सपियर का प्ले कोरियोलेनस से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे T.S. एलियट कि उन्होंने अपनी पोइम का नाम रखा कोरियोलेन, बस टाइटल में थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, हु रोट अ लैंडमार्क वर्क कॉल्ड करेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज इन 1817। 1817 में करेक्टर ऑफ शेक्सपियर वर्क किसके द्वारा लिखा गया? बहुत फेमस वर्क है ये, विलियम हैजलिट के द्वारा, विलियम हैजलिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173, हु रोट द फॉलोइंग वर्क। कुछ वर्क्स हैं ये जो लिखे गए हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर ही हैं। वॉट हैपन इन हैमलेट 1959 में लिखा गया, वॉट हैपन इन हैमलेट, शेक्सपियर इंग्लैंड, अ बुक ऑफ एलिजाबेथ एंड प्रोज 1911, द इसेंशियल शेक्सपियर अ बायोग्राफिकल एडवेंचर 1932, द फॉर्चून ऑफ फालस्टाफ 1943, शेक्सपियर हैप्पी कॉमेडीज 1962 एंड शेक्सपियर सोनेट 1963 है ना। डॉबर विल्सन के वर्क हैं, डॉबर विल्सन के वर्क हैं शेक्सपियर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर स्कूल लोकेटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ चर्च स्ट्रीट एंड चैपल लेन इज थॉट टू हैव बीन अटेंडेड बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, कौन सा स्कूल था जो शेक्सपियर जिसमें पढ़ने गए ऐसा माना जाता है ना, किंग एडवर्ड सिक्स स्कूल, उनके स्कूल का नाम था, जो ग्रामर स्कूल था ना जिसमें भेजा गया था शेक्सपियर को, उस स्कूल का नाम था किंग एडवर्ड सिक्स स्कूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बीथेड इज लास्ट ऑन 14 अगस्त 1984 एज्ड 89 इन स्टेटफोर्ड अपॉन एवन वारविक शायर इंग्लैंड। है ना, ये कौन से राइटर हैं भाई 89 की एज में स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में वारविक शायर में इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई, लाइक शेक्सपियर है ना, जॉन बॉइंटन प्रिस्टली हैं ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 241, समथिंग विग्ड दिस वे कम अ 1962 डार्क फैंटेसी नोवल बाय रे ब्रेडबरी टेक इट टाइटल फ्रॉम शेक्सपियर। ठीक है, ये टाइटल है, मतलब रे ब्रेडबरी नोवलिस्ट हैं, उनका नोवल का टाइटल है समथिंग विग्ड दिस वे कम्स। तो ये शेक्सपियर के किस प्ले पर बेस्ड है? तो विच इज स्पीच इन मैकबेथ है ना, विचेस की जो स्पीच है मैकबेथ में उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर नोवल टेक इट्स टाइटल फ्रॉम मिरांडाज स्पीच इन विलियम शेक्सपियर द टेम्पेस्ट एक्ट फिफ्थ सीन वन। ठीक है, कौन सा पॉपुलर नोवल है जिसने अपना टाइटल लिया है मिरांडा की स्पीच से, यानी विलियम शेक्सपियर का प्ले है ना टेम्पेस्ट, उसमें मिरांडा की जो स्पीच है उससे उसने टाइटल लिया है। ओ वंडर हाउ मेनी
goodly creature are there here. How beauteous mankind is. O brave new world that has such people in it. ये मिरांडा की स्पीच है जो एक्ट फाइव के सीन वन में बोली गई है उसके द्वारा, है ना। इस स्पीच से इम्प्रेस होकर एल्डस हक्सले ने अपने नोबल का नाम रखा था ब्रेव न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177। द इसेंशियल शेक्सपियर इज ए वर्क बाय। इसेंशियल शेक्सपियर जे डॉवर विल्सन का वर्क है, जे डॉवर विल्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178। द पैसिनेट पिलग्रम 1599 इज एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोइम्स कलेक्टेड एंड पब्लिश बाई विलियम जैगार्ड दैट वर एट्रीब्यूटेड टू, है ना। ये पैसिनेट पिलग्रम की एंथोलॉजी है जिसे विलियम जैगार्ड के द्वारा पब्लिश किया गया, जो कि समर्पित है विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179। हु हैज़ कम्पोज द पोएम एन हैथवे। एनी हैथवे पोएम किसके द्वारा कम्पोज की गई है? कैरोल एनी डफी। कैरोल एन डफी ने एनी हैथवे लिखी है, ठीक है। एनी हैथवे जो कि वाइफ थी विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180। अ 14 लाइन पोइम इन आइम्बिक पेंटामीटर कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वार्टर्न एंड ए कंक्लूडिंग कपलेट इज नोन एज, ठीक है। 14 लाइन पोइम जिसे हमें पता है, जिस सोनेट को कहा जाता है 14 लाइन पोइम, जिसमें आइम्बिक पेंटामीटर में 3 क्वार्टर होंगे, कंक्लूडिंग ए कपलेट है, उसे क्या जाना जाता है? उसे शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट इज ए 1910 शॉर्ट कॉमेडी बाय डैश, ठीक है। डार्क लेडी ऑफ द सोनेट एक कॉमेडी है, किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना। इन विच विलियम शेक्सपियर इंटेंडिंग टू मीट द डार्क लेडी एक्सीडेंटली एनकाउंटर क्वीन एलिजाबेथ एंड मतलब आई एंड अटेम्प्ट टू परसुएड हर टू क्रिएट ए नेशनल थिएटर, ठीक है। तो ये कॉमेडी है जो डार्क लेडी के ऊपर लिखी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, विलियम शेक्सपियर की जो डार्क लेडी थी सोनेट वाली। नेक्स्ट है 182। हु स्टेट इन शेक्सपियर सोनेट द प्रॉब्लम सॉल्व। सोनेट 153 एंड 154 आर नॉट अनसुइटेबली प्लेस्ड एज अ काइंड ऑफ कोडा टू द डार्क लेडी सोनेट टू विच दे रिलेट, है ना। एल रॉस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183। हु रोट दैट नो पोइट कैन आस्क मोर ऑफ पोस्टेरिटी दैट टू बी ग्रेटली ऑनर्ड बाय द ग्रेट एंड जॉनसन्स। जॉनसन वर्ड इन द प्रीफेस अबाउट शेक्सपियर आर ग्रेट ऑनर, टी एस एलियट। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 184। हु इन हिज लेक्चर ओपाइन दैट व्हाट होमर वाज टू ग्रीस एंड दंते टू मिडिल एज लाइक वॉइज शेक्सपियर वॉज टू द मॉडर्न एज, यानी अपने लेक्चर में किसने कहा ये? थॉमस कार्लाइल ने कहा है कि जैसे होमर ग्रीस के लिए थे, मतलब ग्रीक के लिए जैसे होमर को जाना जाता है, दंते को मिडिल एज के लिए जाना जाता है, वैसे ही शेक्सपियर को मॉडर्न एज के लिए जाना जाता है। थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185। हु क्लेम दैट एज इन राइटिंग ऑफ होमर वी कैन एनविजन ओल्ड ग्रीस, सिमिलरली शेक्सपियर वर्क कैप्चर ओल्ड यूरोप इन डिफरेंट वेज। ये भी थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है, मतलब कि यही है कि जैसे होमर के वर्क में हम पूरा जो ग्रीस ओल्ड ग्रीस है उसके दर्शन कर सकते हैं, वैसे ही शेक्सपियर के वर्क में हम पूरे इंग्लैंड या यूरोप के यूरोप को देख सकते हैं ओल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186। Who wrote the sovereign poet Shakespeare with his seeing eyes, with his perennial singing voice, was sent to take note of the changing time in Europe? Thomas Carlyle. Next है question number 187. Who opined that had it not been Shakespeare prosecution for deer stealing, we perhaps would never hear of him as a poet? ये भी Thomas Carlyle का स्टेटमेंट है कि अगर वो कभी डियर स्टीलिंग ना करते शेक्सपियर, तो शायद हम उनसे कभी मिल नहीं पाते, यानी वो कभी पोइट ना बन पाते। नेक्स्ट है 188। हु यूजेस द फॉलोइंग सुपरलेटिव टू प्रेज शेक्सपियर? प्राइसलेस कामनेस ऑफ डेथ, प्लेसिड ऑफ जॉयस स्ट्रेंथ, ग्रेट सोल, ट्रू एंड क्लियर लाइक ए ट्रैंक्विल ऑफ अनफेथमेबल सी। ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है थॉमस कार्लाइल ने उनके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189। हु एसर्ट दैट नॉट इवन द साइंटिफिक वर्क ऑफ इंटेलेक्ट ऑफ सर फ्रांसिस बेकन इज अर्थली एंड सेकेंडरी इन कंपैरिजन टू शेक्सपियर, इम्प्लाइंग शेक्सपियर्स वर्क टू बी डिवाइन, है ना। ये भी थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190, हु बिलीव दैट इफ एनीवन फ्रॉम द मॉडर्न टाइम्स कुड बी कंपेयर टू शेक्सपियर ओनली द जर्मन पोइट गूथे इज समवाट कंपेरेबल टू द इंग्लिश पोइट। यानी कि अगर किसी को कंपेयर किया जाए शेक्सपियर के साथ तो जर्मन पोइट केवल गूथे ही हैं जो स्टैंड कर सकते हैं उनके सामने, यानी थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191, हु कॉल शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्ट एंड टर्म दिस एज द अनकॉन्सियस इंटेलेक्ट एंड ऑल्सो क्लेम दैट देयर इज मोर वर्च्यू इन शेक्सपियर दैन ही इज इवन अवेयर ऑफ, थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192, हु बिलीव्ड, किसका ये मानना है, दोज ड्रामाज ऑफ हिम यानी कि शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर टू डीप एज नेचर एज हर सेल्फ, यानी कि वो ऐसे मतलब प्रोडक्ट हैं, इतने नेचुरल प्रोडक्ट हैं कि जैसे खुद नेचर, ये भी थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193, हु फील बिवेल्डर्ड वाइल राइटिंग द लाइन्स हाउ ए मैन डेलिनीट अ हेमलेट अ कॉरियोलेनस अ मैकबेथ सो मैनी सफरिंग हीरोइक हर्ट इफ हिज ओन हीरोइक हियर एंड हैड नेवर सफर्ड, थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 194, ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इज ए कॉम्पिलेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ लेक्चर कंपोज्ड बाय, थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल के वर्क है ये ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड हीरोइक इन हिस्ट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195, हु रोट द ऐसे लेक्चर द हीरोज एज अ पोइट दंते शेक्सपियर। ठीक है, ये लेक्चर मतलब उन्होंने का वर्क है ये थॉमस कार्लाइल का द हीरोज एज ए पोइट, दंते एंड शेक्सपियर को उन्होंने हीरो बनाया इसका इस वर्क का, थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर फीचर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सोलिलॉक्वी एंड हैज़ मोर बैटल सीन फोर एंड स्टेज वन रिपोर्टेड दैन एनी अदर ऑफ हिज प्ले, हेनरी सिक्स पार्ट थ्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197, रॉबर्ट गीन इज बेस्ट नोन फॉर ए पॉस्थूमस पैम्फलेट ग्रीन्स ग्रोथ वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस वाइडली बिलीव टू कंटेन एंड अटैक ऑन, ये विलियम शेक्सपियर के ऊपर था उनका, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198, द कमेंट अबाउट एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीचर रेफर टू शेक्सपियर प्लेगरिज्म एक्सेसिव प्राइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, द लाइन इन ग्रोट्सवर्थ टाइगर हर्ट रैप्ड इन ए प्लेयर हाइट एलूड टू शेक्सपियर प्ले डैश विच कंटेन द लाइन ओ टाइगर हर्ट रैप्ड इन ए वोमेन हाइट, हेनरी सिक्स पार्ट थ्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉज एन 18th सेंचुरी एडिशन ऑफ द ड्रामेटिक वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर एडिटेड बाय सैमुअल जॉनसन एंड जॉर्ज स्टीवंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 201, हु अनाउंस हिज इंटेंशन टू एडिट शेक्सपियर प्ले इन हिज मिसलेनियस ऑब्जर्वेशन ऑन मैकबेथ 1745, सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202, हु वुड इन्वॉल्व हिमसेल्फ सो क्लोजली विद द शेक्सपियरियन प्लेस दैट ही वॉज वंस टेरिफाइड बाय द घोस्ट इन हैमलेट एंड हैड टू हैव प्यूपल अबाउट हिम, सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203, हु इज द मोस्ट कोटेड ऑथर इन अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बाई सैमुअल जॉनसन, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204, हु बिलीव दैट शेक्सपियरियन प्लेस अवेलेबल इन हिज टाइम लैक्ड ऑथर creativeness because they were transcribed for the player by those who may be supposed to have seldom understood them. They were transmitted by copiers equally unskillful who still multiplied error. They were perhaps sometimes mutilated by the actors for the sake of shortening the speeches and were at last printed without correction of the press. Samuel Johnson. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205, हु बिलीव दैट द रीडर ऑफ शेक्सपियर वॉज द ट्रू ऑडियंस ऑफ द प्ले, सैमुअल जॉनसन। शेक्सपियर के जो रीडर हैं वो उनके प्ले की ट्रू ऑडियंस है, सैमुअल जॉनसन ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206, हु बिलीव दैट लेटर एडिटर्स बोथ
misunderstood the historical context of Shakespeare and his plays and underestimated the degree of textual corruption that the plays exhibit. This was because the style of Shakespeare was in itself perplexed, ungrammatical and obscure. Samuel Johnson. Next, a question number 207. Who among the following is not among Shakespearean editor? ठीक है, इनमें से कौन है जो शेक्सपियर का एडिटर नहीं है? निकोलस रो एंड अलेक्जेंडर पोप. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द शेक्सपियरियन एडिटर. इनमें से कौन है जो शेक्सपियर का एडिटर नहीं है, आपको बताना है. निकोलस रो एंड अलेक्जेंडर पोप, लुइस थेबोल्ड एंड थॉमस हैमर, विलियम वर बर्टन एंड थॉमस एडवर्ड, डॉक्टर जॉनसन, जॉर्ज स्टीवंस एंड एडमंड मेलोन. सो यहाँ पर ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, दे ऑल आर शेक्सपियरियन एडिटर. ये सभी के सभी शेक्सपियर के एडिटर हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 208. इन विच ऑफ हिज वर्क सैमुअल जॉनसन प्रोमिस टू करेक्ट वॉट इज करप्ट एंड टू एक्सप्लेन वॉट इज ऑब्सक्योर विद रेफरेंस टू शेक्सपियरियन प्लेज. प्रोपोजल Proposals for an edition of Shakespeare. Next है 209. Who wrote essay on the learning of Shakespeare? Richard Former. Next है question number 210. Who scribbled in his diary William Shakespeare the most profound and influential genius in the annals of English literature died as a direct result of getting drunk with his mate. जॉन वार्ड ने अपनी डायरी में ये लिखा है कि मतलब उनकी जो डायत है वो शराब पीने से हुई थी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211. द फॉलोइंग लाइन्स आर रिटन बाय व्हेन लर्निंग चिम्फ ओवर हर बस फो फर्स्ट रियर द स्टेज इमोर्टल शेक्सपियर रो ईच चेंज ऑफ मैनी कलर लाइफ ही ड्रो एग्जॉस्टेड वर्ड एंड देन इमेजिन न्यू. डेविड गैरिक की लाइन्स हैं ये. सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट विलियम शेक्सपियर और इसके साथ ही जितने भी एग्जाम पॉइंट थे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.